ये लड़की समंदर में एक पत्थर के ऊपर फंस चुकी है और वो दूर एक बीकन को देखती है, लेकिन उसके चारों तरफ जानलेवा जेलीफिश होती है और नीचे एक खतरनाक शार्क भी थी और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर आखिरकार वो पानी में कूदकर तैरते हुए उस बीकन की तरफ जाने लगी। तब एक जेलीफिश उसके शरीर से चिपक जाती है, जिस वजह से उसे तेज करंट लगता है और अचानक से सभी जेलीफिश चमकने लगी। अब लड़की चारों तरफ से जेलीफिश से घिर चुकी थी, तभी वो शार्क लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ आता है। तभी लड़की को वो बीकन दिखाई देता है और वो बीकन की तरफ जा रही थी और वो उस पर चढ़ने ही वाली थी कि शार्क आकर उस पर हमला करता है, जिस वजह से लड़की का हाथ एक रॉड पर तो था लेकिन वो टूट जाता है और वो लड़की नीचे शार्क के ऊपर गिर गई। तब लड़की रॉड से शार्क पर हमला करती है और वो जैसे तैसे करके बीकन के ऊपर पहुंच जाती है। अब शार्क तेजी से लड़की पर हमला करने लगता है। आगे की कहानी के लिए कमेंट्स पर पार्ट 2 लिखिए।